प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाई जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण काफी तेज गति से हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस मंदिर में प्रभु श्री राम की जो मूर्ति स्थापित की जाएगी वह मूर्ति किस पत्थर से बनाया जाएगा? तो रामलला की मूर्ति बनाने के लिए पत्थर की तलाश अब पूरी हो गई है और ये पत्थर मिला है माता सीता की नगरी जनकपुर में, जो कि पड़ोसी देश नेपाल में है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। इसके अलावा राम मंदिर का अपडेट भी देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। भव्य मंदिर का निर्माण काफी तेज गति के साथ हो रहा है। एक वर्ष के अंदर ही ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे मंदिर का ग्राउंड फ्लोर और गर्भगृह का निर्माण तो इसी वर्ष में अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य है, इसीलिए काम की स्पीड अब बढ़ा दी गई है और दिन रात इसमें कारीगर काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण और बारीक काम है पत्थरों की नक्काशी करना। मंदिर के दीवार और खम्भों पर सनातन धर्म से जुड़े धार्मिक चिन्ह जैसे कि गदा, चक्र, शंख, पुष्प आदि सहित देवी देवताओं की प्रतिमा भी इन पत्थरों पर उकेरी जा रही है। पत्थरों की नक्काशी करने के लिए कुल 4 कार्यशाला बनाई गई है, जिसमें से 3 कार्यशाला तो राजस्थान में है, जबकि 1 कार्यशाला मंदिर के पास ही अयोध्या में बनाई गई है। चूंकि राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसीलिए 3 कार्यशाला राजस्थान में ही बनाया गया है। तो राजस्थान में ही पत्थरों को नाप तोल कर उसकी कटिंग की जाती है और सही आकार में अयोध्या भेजा जाता है। तो हजारों की संख्या में कारीगर दिन रात इन पत्थरों पर बारीक नक्काशी उकेर रहे हैं। मंदिर का गर्भगृह सबसे आकर्षक बनाया जा रहा है। गर्भगृह यानी कि जहां पर रामलला स्वयं विराजमान होंगे, तो सबसे सुंदर नक्काशी वाले पत्थर वहीं पर लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर राम मंदिर का निर्माण एक भव्यता का एहसास दिला रहा है। तो अब देखते हैं कि करोड़ों लोगों के आराध्य प्रभु श्री राम की मूर्ति कैसी होगी जो इस मंदिर में लगाया जाएगा। तो जिस तरह से कई सौ वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और ये मंदिर इतना भव्य और अलौकिक बनाया जा रहा है कि अगले 1000 वर्ष तक ये मंदिर विराजमान रहेगा, उसी तरह से रामलला की मूर्ति भी मनमोहक बनाया जाएगा। रामलला की मूर्ति बनेगी इस पत्थर से। ये पवित्र शालिग्राम का पत्थर है जो कि पड़ोसी देश नेपाल में गंडकी नदी में मिला है। ये पत्थर लगभग 7x5 फीट का है। रामलला की मूर्ति 5.5 फीट खड़ी मुद्रा में होगी, जो कि इस पत्थर से आसानी से बन जाएगा। वैसे शालिग्राम पत्थर काफी महंगा होता है, क्योंकि इस पत्थर का धार्मिक महत्व है। फिर भी नेपाल सरकार ने ये पत्थर राम मंदिर को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। राम मंदिर के लिए नेपाल के पुरातत्व विभाग के द्वारा काफी टाइम से हाई क्वालिटी के शालिग्राम पत्थर की तलाश की जा रही थी। वैसे ये पत्थर नेपाल के जनकपुर में मिला है और जनकपुर प्रभु श्री राम का ससुराल है, यानी कि माता सीता की नगरी है जनकपुर, तो इसीलिए इस पत्थर का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो वसंत पंचमी के मौके पर इस पवित्र शिला की विधिवत पूजा के बाद सड़क मार्ग से ही यानी कि नेपाल के जनकपुर से बिहार में मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर होते हुए सड़क मार्ग से ही इसे अयोध्या लाया जाएगा और उम्मीद है कि 2 फरवरी को ये पवित्र पत्थर अयोध्या पहुंच जाएगी। उधर अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की डिजाइन और मॉडल को तैयार करने के लिए अपने देश के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकारों की एक टीम काम कर रही है। डिजाइन फाइनल होने के बाद इस पत्थर से प्रभु श्री राम की 5.5 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के नीचे लगभग 3 फीट ऊंचा एक पेडेस्टल भी बनाया जाएगा, यानी कि ग्राउंड से इस मूर्ति की हाइट लगभग 8.5 फीट होने वाली है। तो जितना भव्य ये राम मंदिर बन रहा है, उतना ही भव्य रामलला की मूर्ति भी होगी। एक और बात, वैसे आपको पता ही होगा कि राम मंदिर के निर्माण के लिए अपने देश में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े कई एक्सपर्ट्स की टीम काम कर रही है, क्योंकि राम मंदिर का फाउंडेशन काफी चैलेंजिंग था। इसके साथ ही राम मंदिर को अगले 1000 वर्ष तक सुरक्षित रखने के लिए कई सारे ठोस कदम भी उठाने पड़े। तो अब खगोल शास्त्रियों की एक टीम ऐसी व्यवस्था कर रही है कि राम नवमी यानी कि जिस दिन प्रभु श्री राम का जन्म दिवस मनाया जाता है, उस दिन दोपहर के 12 बजे सूर्य की किरण रामलला के ललाट पर डायरेक्ट पड़े, क्योंकि रामलला